नमस्कार, यूटीवी खबर को स्वागत। प्रथमे मुख्य खबर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन निमन्ते वार्ड मेंबर, सरपंच, पंचायत समिति सभ्य और जिला परिषद सभ्य निर्वाचन पर प्रार्थीपत्र दाखल तृतीय दिवस अव्याहत। कोरोना को दृष्टि रखी ब्रह्मपुर बड़ डाक्टरखाना ऑनलाइन रोगी पंजीकरण व्यवस्था आरंभ। मोबाइल रे पंजीकरण पर संग्रह हेबो टिकट। पंजीकृत विलनामा माध्यम रे गंजाम जिलार जनसाधारण पट्टा पाइबा पई तहसीलदारों द्वारा वंचित प्रतिवाद रे आईनजीवी को आरडीसी को स्मारकपत्र। आउटसोर्सिंग कर्मचारी को स्थायी करबा समेत अन्यान्य दाबी रे ओडिसा बिजुली कर्मचारी संघ तरफ रु टाटा पावर कार्यालय सम्मुखरे धारणा 181 दिन रे अव्याहत। बढ़ुची कोरोना संक्रमण, गोटे दिन में राज्य में 11607 जन और गंजाम जिलूर 93 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट। एवं कोरोना और ओमिक्रोन को दृष्टि रखि टीकादान को गुरुत्व। ब्रह्मपुर महानगर निगम और स्वास्थ्य विभाग तरफ विभिन्न केन्द्र में चली टीकाकरण। राज्य निर्वाचन कमिशन ओडिशा तरफ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन परिप्रेक्षी में गत सोमवार ठारु वार्ड मेंबर, सरपंच, पंचायत समिति सभ्य और जिला परिषद सभ्य निर्वाचन पर प्रार्थीपत्र दाखल कार्यक्रम तृतीय दिवस बुधवार अव्याहत रही। अवसर में ब्रह्मपुर उपजिलापाल कार्यालय परिसर में जिला परिषद सभ्यपाई बहु प्रार्थी निज निजर प्रार्थीपत्र दाखल करते। कोविड कटकणा अनुजाई उपजिलापाल वि कीर्तिभाषण प्रत्यक्ष तत्वावधान में एपरी प्रार्थीपत्र दाखल कार्यक्रम अनुष्ठित होता। आसंता 21 तारीख पर्यंत एपरी प्रार्थीपत्र दाखल कार्यक्रम अनुष्ठित हो। शांति श्रृंखला को दृष्टि रखी पुलिस व्यवस्था ग्रहण करा जाय छि। 9 नंबर जोन रु माजी टिकट भी पाई छि, ता संगे बहुत मध्य एक्साइटेडमेंट भी अछि। एटा तो टिकट नहे, एटा गोटे संघर्ष कहबा गलि किछ भूल होबनी। आगु देखा जाउ भगवान आ जनता को उपरे जे हम उपयुक्त कैंडिडेट जदि भाबुछन ता निश्चय आगु को जेबी आ आगु को बढे बोली मोर आशा रहउछि। कुकड़ाकंडी 8 नंबर जोन नवीन पटनायक सर मत टिकट देवर बहुत खुशी अच्छी। आउ जहाँ भी लोक मान साय कर अधा रही पूरण करी जीतला एमती लोक मान सा कर ब्लक्र कमी सभ्य होती भाइस चेयरमैन सान खेमुंडी इनचार्ज चेयरमैन अंचल रे बहुत समस्या रही लोक मान आशा भरसा मो ऊपर रखे सब आशा भरसा पूर्ण कर आशा रखी कि समस्या अच्छी समाधान कर। ब्रह्मपुर बड़ डाक्टरखाना कोरोना को दृष्टि रखी ऑनलाइन रोगी पंजीकरण व्यवस्था आरंभ हो। फलरे आउटडोर रे चिकित्सा पई आउ लंबा धाड़ी करिबाकु पड़िबो नाही। रोगी किंबा रोगींको संपर्क घरे बसी ऑनलाइन जरिया रे एपरि पंजीकरण माध्यम रे एमकेसीजी रु टिकट संग्रह करि परिबे। कोविड संक्रमण भय रे एपरि व्यवस्था ग्रहण करा जाय छे। एपरि नाम पंजीकरण करिबा पई http.mkcg.com साइट रो सहयोग नै परिबे बोली अधीक्षक कहिछन्ते। जो मोबाइल फोन रे पंजीकरण करिबे सेठाकु गोटिए पंजीकरण नंबर पठा जिवो। रोगी किंबा संपर्कियों एमकेसीजी आसी काउंटर रे सही नंबर कही टिकेट नहीं पारिबे। ऑनलाइन रे रोगी निजरो नाम, ठिकाना और समस्त तथ्य देबे। गंजाम जिला वकिल संघर केतेक आईनजीवी बुधवार दक्षिणांचल राजस्व कमिश्नर को पंजीकृत विलनामा माध्यम रे गंजाम जिलार जनसाधारण पट्टा पाइबा पई तहसीलदारों द्वारा वंचित होगा उद्देश्य एक स्मारकपत्र मान्यवर राज्यपाल, मुख्य शासन सचिव, आईन विभाग सचिव और विपर्यय विभाग सचिव को प्रदान करा। मान्यवर उच्च न्यायालय ओडिशा द्वारा आदेश कार्य करने सकाशे निर्देश थिले मध्य कार्यकारी करा बहु आईनजीवी अभियोग करते जहाद्वारा अनेक आवेदनकारी असुविधार सम्मुखीन होता तेणु तुरंत ए दिगरे उचित पदक्षेप ग्रहण करने दाबी करा जाय थिला। एही अवसर रे आईनजीवी मोहम्मद इस्माइल, शिशिर कुमार पंडा, सतीश कुमार पाणिग्राही, किरण मंडल, मधुस्मिता जादव, सिरिन तमन्ना, केदारनाथ महापात्र, किशोर चंद्र बेहरा, मनीषा आचार्य,
उमाचरण शतपथी भगवान चौधरी समेत अन्य माने उपस्थित थिले। सेहीपरी गोसाई नुआ गाँ स्थित उत्कल बालाश्रम जबरदखल जगह एवं बालाश्रम द्वारा प्रदान करा दोकान गृह परिवेश प्रदूषण संक्रांत अन्य एक स्मारक पत्र प्रदान करा जायथिला। आज आम कि एडवोकेट भाई भूणी नहीं आसलु आम मुख्यतः दुईटा दाबी थी गोटे दाबी थी जो विल नामा इच्छा पत्र जो आम लेखा हुए परवर्त समय से तहसिलदार मैंने पट्टा कर दीर्घ दु वर्ष विल नामा को पट्टा करना आमको प्रोवाइड करने कितु आमर अर्डर अच्छे हाईकोर्ट अर्डर अच्छे निर्देशना अच्छे गंजाम जिला को प्रोवाइडर आवश्यकता ना तो से अर्डर से आईनगत कागज दाखल कलापर भी आज पर्यटन तहसिलदार मैंने किसी करना जोद्वारा कि गरीब लोक मैंने सफर होती आईनटा को कार्यकारी करने कि आज आम आडिशन थ्रू मान्य राजस्व आयुक्त तरफ राज्यपाल आईन सेक्रेटरी रेवेन्यू सेक्रेटरी को आज कपी पठे गोसाणा उत्कल बालाश्रम पाखे बहुत गुड़े जगह खाली रही तल दिन भी आम बिल्डिंग होता अंगनवाड़ी केन्द्र होता कि आज तारीख यूटिलाइज होना खोला पड़ी से नेचुरल टॉयलेट को भी होगा एनक्रोचमेंट बहुत गुड़े बढ़ी जाए तो एनक्रोचमेंट आप सब गैरेज आपर कुकुड़ा फार्म सब रही जदि खाली कर ताहले पिला मानंगो पाई धरंतु आमर एठी साइंस म्यूजियम नाही पिला मानंगो पाई एजुकेशनल डेवलपमेंट्स पाई काम करा जाय परियो साइंस म्यूजियम करा जाउ किंबा खेल पड़िया करा जाउ पिला माने खेलिया पाई व्यवस्था करा जाउ सेटा जो एनक्रोचमेंट होय छे से एनक्रोचमेंट रे आउ जो पोल्यूशन क्रिएट होय छे सेटा केवल खेल खेलाड़ी मानंगो नै सेठी जो उत्कल बालाश्रम रही छे सेठी जो बहुत शताधिक पिला रहउछन्ते झियो माने रहउछन्ते सेमानंगो मध्ये उपरे बहुत गुट बैड इंपैक्ट पड़ू जोड़ा कि कहीं ताप हृदयंगम कर कौन इंपैक्ट पड़ू तेणु आम अनुरोध करुचु जिला प्रशासन को एवं राज्य सरकार को जे ताकु तुरंत खाली करा जाओ ओपेन रखा जाओ किंबा से जो बिल्डिंग ताकु म्यूजियम करके पिला मानकर कार्य लगा जाओ। आउटसोर्सिंग कर्मचारी को स्थायी करने समेत अन्यान्य दाबी ने ओडिशा बिजुली कर्मचारी संघ तरफ ब्रह्मपुर स्थित टाटा पावर कार्यालय सम्मुखें चली धारणा बुधवार जारी रही धारणा 181 दिन में पहुंची दाबी ने कर्मचारी पितामाता माने बहुबार धारणा देते तेरे दीर्घ दिन धरी एपरी धारणा जारी रही बेले टाटा कर्तृपक्ष ए दिगरे कर्णपात करुनथबा जोगु एहाकु नै बिजुली कर्मचारी संघ तरफ क्षोभ प्रकाश पाई। ब्रह्मपुर महानगर में कोरोना संक्रमण लागी रही छि विशेषकर थंडा तंटी व्यथा मुंड व्यथा सुखिला काश सह ज्वर अनुभूत कारणरु एपरी आक्रांत होउथबा कहा जाय छि तेणु लक्षण थिबा व्यक्ति माने डाक्टरी परीक्षा करिवार आवश्यकता रही छि। राज्य रे गोटी दिन रे पुनी थरे 11607 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइथिबा बेले सेमानक मध्यरु 93 जन गंजाम जिल्ला रे रहिछन्ते। सेहीपरि गोटे दिन में पुणि थे राज्य में 6 जन कोरोना आक्रांतों मृत्यु घटी। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 4347 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होता बेले सुंदरगढ़ 1219 जन पॉजिटिव चिन्हट होतीपरि प्रतिदिन बहु कोरोना पॉजिटिव सुस्थ होती। कोरोना समस्ते मास्क परिधान करने सामाजिक दूरता रक्षा करने प्रशासन पक्षर कह हाथ को सानिटाइज करने को अधिक गुरुत्व दि जा। राज्य तथा जिले में वर्तमान कोरोना और ओमिक्रोन को दृष्टि रखी टीकादान को अधिक गुरुत्व दिया। ब्रह्मपुर महानगर निगम और स्वास्थ्य विभाग तरफ एपरी टीकादान कार्यक्रम अब्याहत रही विशेषकर नूतन भाव 15-18 वर्ष बालक बालिका मान टीकादान बेले पूर्वपरि 18-ऊर्ध बयसर व्यक्ति टीकादान करोना योद्धा और 60-ऊर्ध वयस्कों बुस्टर डोज टीका दि जा। बड़ मेडिकल और सिटी हॉस्पिटल रे एथिपई स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण करा जाय छे। सेहीपरि ब्रह्मपुर 10 अधिक केन्द्र रे कोवैक्सीन सह कोविशील्ड टीका प्रदान करा जाय छे।
ଦେଶର ନାମୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ସୁଜୁକି ମୋଟର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଟିଆଇରୁ 120 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ଗୁଜରାଟ ନେଇଛି। ଆଇଟିଆଇର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଗତ ମାସ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ 265 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥିଲା। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସରିନଥିବାରୁ ବୁଧବାର 3 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ 120 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ନେଇଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ବହୁ ଛାତ୍ର ନେବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରଜତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବହୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ବହୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ନିୟମ ଖିଲାପ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏପରି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ ନ କରିବା, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର, 2 ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ନେଉଥିବା ଚାଳକଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଡ଼ି ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତା'ଠାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବୋଲେରୋ ଓ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନଗର ନିବାସୀ ପୀତବାସ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜଗଦୀଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ, ସ୍କର୍ପିଓ ଓ ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ବିଷ୍ଣୁପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ୟୁଜିର ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଜୋନ୍ ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ କଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ପୁରୁଣା ପାଟନା ଗ୍ରାମରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଚାର ଅଧିକାରୀ ମନମୋହନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସ୍ଏମ୍ଆଇଟି ସାମ୍ବାଦିକତା ବିଭାଗର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଛାତ୍ର କେ ଶିବକ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ବନିତା ସାହୁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଶାକର୍ମୀ କୁମାରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯମୁନା ପ୍ରଧାନ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଟିକାକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପରିମଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରଚାରପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଗାୟତ୍ରୀ ନାହକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳପୁର ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପୀଠ ପରିଷଦ ସଂଯୁକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ବାହିନୀ ଓ ଆନନ୍ଦ ବାହିନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ପୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏପରି ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶାଖାର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସଂଘ ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ପାଢ଼ୀ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀ, ରାମପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ରାମହରି ସାହୁ, ଟୁଙ୍ଗୁର ବିଶ୍ୱଇ, ଶିବଶଙ୍କର ମାଦଳା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶାନ୍ତିଲତା ପାଣି, ପଦ୍ମଚରଣ ଦାସ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାସ୍କୋ ଓ କାର୍ଫ ତରଫରୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶାସନ ଆମ୍ବଗାଁଠାରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାସ୍କୋର ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଏହି କର୍ମଶାଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ସୁଧାକର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିକା ସୁକାନ୍ତି ମହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଦୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ସୁନୀଲ ସାବତ, ଝିଲ୍ଲି ସାହୁ ଓ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନବଘନ ପରିଡ଼ା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପରିଡ଼ା ଓ ସୁଦାମ ବେହେରା ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ବଢ଼ିଆ ଅସ୍ଥା ଶାଖା ଚିଦାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧର୍ମାଲା ଲୋକନାଥ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଶାଖା ସଭାପତି ସ୍ୱାମୀ ରାମଦାସ ନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଓ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଶାଖାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱାମୀ ହରି ଶରଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ଗୁରୁପାଦ ପୂଜା କୀର୍ତ୍ତନ ଜପଧ୍ୟାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन निम्ते वार्ड मेंबर सरपंच पंचायत समिति सभ्य और जिला परिषद सभ्य निर्वाचन प्रार्थीपत्र दाखल तृतीय दिवस अव्याहत। कोरोना को दृष्टि रखी ब्रह्मपुर बड़ डाक्टरखाना ऑनलाइन रोगी पंजीकरण व्यवस्था आरंभ। मोबाइल रे पंजीकरण पर संग्रह हेब टिकट। पंजीकृत विलनामा माध्यम रे गंजाम जिलार जनसाधारण पट्टा पाइबा तहसीलदार द्वारा वंचित प्रतिवाद रे आईनजीवी आरडीसी को स्मारकपत्र। आउटसोर्सिंग कर्मचारी को स्थायी करने समेत अन्यान्य दाबी रे ओडिशा बिजुली कर्मचारी संघ तरफ टाटा पावर कार्यालय सम्मुखें धारणा 181 दिन में अव्याहत। बढ़ुची कोरोना संक्रमण गोटे दिन में राज्य में 11607 जन और गंजाम जिलार 93 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट। एवं कोरोना और ओमिक्रोन को दृष्टि रखी टीकादान को गुरुत्व। ब्रह्मपुर महानगर निगम और स्वास्थ्य विभाग तरफ विभिन्न केन्द्र में चली टीकाकरण। यूटीवी खबर को वर्तमान पे रखुचु। नमस्कार।